एवरीवन ऑपरेशनल रिसर्च की सीरीज में आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम या रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मॉडल जो जो भी बोल सकते हैं so जो हैं सो हमें एग्जाम में आते ना प्रॉब्लम से वो कुछ इस तरीके से होते हैं ये बट इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम जो है वो होता क्या है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको ऑपरेशन रिसर्च की सब्जेक्ट में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सो so स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है इंट्रोडक्शन से बट इसको शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे इसी के साथ अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ओके सो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम क्या है ना ये कुछ नहीं है जैसे कि हम लोग रिप्लेसमेंट से क्या समझते हैं हम लोगों को कोई चीज को रिप्लेस करना है जैसे कि हमारे पास हम लोग घर पे कुछ मशीन यूज कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं अब अगर वो खराब हो गया तो हमें उसको रिप्लेस करके नया मशीन या नया कुछ उसकी जगह पे लाना पड़ेगा तो ये हुआ रिप्लेसमेंट ओके तो यही है हम लोगों को इस ऑपरेशन रिसर्च में ये चीज पढ़ना रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में तो इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स आर कंसर्न विद द सिचुएशन डेट अरिजेस विन सम आइटम सच एज मशीन्स और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स नीड टू रिप्लेस ड्यू टू डिक्रीज इफिशियंसी फेलियर और ब्रेकडाउन दिस डिक्रीज इफिशियंसी और कम्पलीट ब्रेकडाउन में बी आईदर ग्रेजुअल और सटेन अब देखिए डेफिनेशन भी वही बोल रहा है कि हम लोग अगर कोई चीज खराब हो जा रही है कैसे खराब हो रही है या तो डिक्रीज इफिशियंसी की वजह से फेलियर और ब्रेकडाउन की वजह से अगर कुछ मशीन मशीन या फिर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है हमारा खराब हो जा रहा है तो उसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा उस सिचुएशन में हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा उसे हम लोग बोले है रिप्लेसमेंट अब ये जो हमारा डिक्रीज इफिशेंसी या फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन है ये हमारा ग्रेजुअली भी हो सकता है और सडन भी हो सकता है अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिचुएशन है जब हम लोगों को मशीन की जो है रिप्लेसमेंट करनी होगी ठीक है तो पहला जो हमारा सिचुएशन है उसमें क्या है कि हम लोग जो है अगर देखेंगे कि हमारा मशीन जो है वो इन है या फिर उसकी जो हमारे मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि मशीन को रिप्लेस कर सकते हैं अगर हमारा कोई भी मशीन है एक बार फिर से बोल देती हूँ कोई भी मशीन हमारा जैसे कुछ यूज कर रहे हैं हम लोग घर पे और वो इनएफिशियट है वो अच्छे से तरीके से काम नहीं कर रहा या फिर उसको मेंटेन करने में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है हमें तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको उस मशीन को रिप्लेस कर देते हैं ये पहला चीज है सेकेंड में क्या है कि हमारा जो ओल्ड मशीन है वो फेल्ड हो रहा है किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर एक्सपेक्टेड टू तो फेल शॉर्टली जैसे सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो वो फूट गया ठीक है अब इलेक्ट्रिक बल्ब अगर टूट जा रहा है तो उसको हम लोग यूज तो नहीं कर सकते तो ये फेल हो गया एक एक्सीडेंट की वजह से तो हमें उसे रिप्लेस करना होगा या फिर एक्सपेक्टेड टू फेल शॉर्टली इसका मतलब कि जैसे कि कुछ हम लोग इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट जैसे से बल्ब ही है उसको यूज कर रहे हैं और वो काफी दो साल तीन साल हो चुका है उसको अब देख के इतना समझ में आ रहा है कि अब वो बल्ब जो है और एक दो दिन चलेगा उसके बाद वो पूरे तरीके से खराब हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दो दिन उतना वेट नहीं करते पहले ही रिप्लेस कर देते हैं ठीक है मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खराब होने ही देना है तभी हम लोग अगर जब हम लोग को पता चल जाता है कि एक दो दिन में ये खराब हो जाएगा तो उस टाइम हम लोग को रिप्लेस कर देते हैं तो वही है यहाँ पे इस सिचुएशन में भी हम लोग रिप्लेस करते हैं मशीन को थर्ड हमारा सिचुएशन है कि हमारे पास जो है मार्केट में एक नया जो हमारा डेवलप किया हुआ एक अच्छा सा डिजाइन आ चुका है तो उस केस में भी हम लोग जो हमारे पुराने जो मशीन है उसको रिप्लेस करते हैं जैसे एग्जाम्पल के मोबाइल फोन हमारे पास जो मोबाइल फोन होते हैं उसको हम लोग वो हम लोग अच्छे से यूज कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई लेटेस्ट वर्जन आता है जिसमें अच्छे कैमराज होते हैं या फिर अच्छे उसमें स्टोरेज होते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये अच्छा फोन है इसको हम लोग अपने पुराने फोन से रिप्लेस कर देते हैं आईफोन फोन थर्टीन है फिर भी आईफोन फोन फोर्टीन ले, ले लेते हैं तो ये वाला चीज आता है हमारे पास रिप्लेसमेंट थर्ड नंबर चीज में ओके इसके बाद देख लेते हैं हम लोग रिप्लेसमेंट uh, प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है ना कि जैसे कि हम लोग रिप्लेसमेंट तो देख लिए कि हाँ कुछ मशीन खराब हो गया उसको रिप्लेस कर दो तो ठीक है मशीन खराब हुआ उसको रिप्लेस कर रहे लेकिन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं इसको ऑपरेशन रिसर्च के सब्जेक्ट में तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है इस चैप्टर में कि जो मशीन हमारी रिप्लेस होगी वो कब होगी मतलब अब कौन से मंथ में कौन से ईयर में या कौन से टाइम में किस टाइम पे हम लोग मशीन को रिप्लेस करेंगे जैसे कि हमारे पास कोई मशीन है उसको हम लोग यूज किए जा रहे किए जा रहे एक टाइम आएगा जब हम लोग उसको रिप्लेस करना होगा तो वो टाइम जो है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है ठीक है अब जैसे कि एक मशीन को हम लोग काफी दिन से यूज कर रहे हैं अगर हम लोग उसको टाइम आने से पहले ही रिप्लेस करते हैं तो उसमें हमारा नुकसान हो जाएगा ठीक है इसलिए हम लोग को ऑप्टीमल टाइम निकालना है कि किस टाइम पे मशीन को रिप्लेस करना है तो द मेन द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट इज टू डिसाइड द बेस्ट पॉलिसी इन डिटरमाइनिंग अ टाइम एट विच द रिप्लेसमेंट इज मोस्ट इकोनॉमिकल इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग एट द इंक्रीज कॉस्ट अगर हम लोग उस चीज को कंटिन्यू करेंगे ना मतलब उसी पुराने मशीन को कंटिन्यूसली यूज करे जाएंगे तो क्या होगा ना कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो वो चीज़ भी नहीं करना है हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा तो किस टाइम पे करना है वो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि हमारी कोई कंपनी है जिसमें हमने सपोज हंड्रेड मशीन लगा दिए हैं तो वो चीज के लिए हमें क्या करना होगा जैसे घर के लिए तो ठीक है चल जाता है कि हाँ ठीक है खराब हुआ उसको ले आए लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें काफी मशीन होती है तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम प्रॉफिट हो और कॉस्ट कम लगे ठीक है उसके लिए हमें ऑप्टीमल टाइम निकालना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि कब हम लोग मशीन को रिप्लेस करेंगे ओके okay, सो so अब देख लेते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल को तो हमारे पास जो पहला मॉडल है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट डिटीरियोरेट विथ टाइम अब ये डिटेरियोरेट टाइम का मतलब क्या है ना कि जैसे कि हम लोग उस मशीन यूज कर रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ना वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती है तो जो मशीन है हमारे पास उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाती है तो हम लोग को उस टाइम पे उसको बोल सकते हैं डिटेरियोरेट विथ टाइम मतलब हमारा जो कॉस्ट है उसको उस मशीन को रिपेयर कराने में जितना लग रहा है उससे कम कॉस्ट में हम लोग दूसरे मशीन को ले सकते हैं ठीक है तो एक टाइम के साथ साथ ना वो जो रिपेयरिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो इंक्रीज हो सकता है तो इसके अंडर जो है दो केसेस आते हैं पहला है वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम और दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम एक जो है टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा और दूसरा टाइम के साथ चेंज करेगा दो केसेस दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट डेट फेल सडनली ठीक है जो तुरंत खराब हो जा रहा है ठीक है वो फेल सडनली केस में इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी आता है और ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी आता है इंडिविजुअल में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि अगर एक कुछ एक हमारे पास मशीन है अगर उसको रिप्लेस करना है तो उसको वो जाएगा हमारे इंडिविजुअल के केस में अगर हमारा कोई कंपनी है उसमें बहुत सारी मशीन लगी हुई है और हम लोग सब मशीन को एक साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में अब अगर किसी को भी यहां पे ये डाउट आ रहा है कि इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्यों यूज कर रहे हैं अगर एक ही मशीन है तो उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने लिया था इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल बट ऐसा नहीं है इसको भी हम लोग इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी को भी हम लोग किसी कंपनी में यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल लिया था बट ऐसा नहीं है उसी कॉस्ट कम है तो उसको हमने लिया बट कुछ कुछ मशीन ऐसी भी होती है जिसके जो कॉस्ट होते हैं ना वो करोरस में होते हैं तो उस मशीन के लिए ना हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि उस मशीन अगर वो मशीन खराब हो रहा है तो उसको रिप्लेसमेंट किस टाइम पे जरूरी है तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम लोग बेनिफिशियल रहेंगे ओके तो so लास्ट हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिस्कस करने लेते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी और सम रिलेटेड टर्म्स रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन के साथ जो है इसको पढ़ेंगे समझेंगे कि ये चीज क्या है और सम रिलेटेड टर्म्स जो है इसमें हम हमारे जो क्वेश्चन आता है ना उसमें हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि कैपिटल कॉस्ट तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप लोग यहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं अदरवाइज क्वेश्चन के साथ हम लोग इसको भी देखेंगे तो कुछ जो जो कॉस्ट होते हैं ना कि कॉस्ट क्या है और टाइम हमें रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम में दो ही चीज होती है कि कॉस्ट कितना लग रहा है कौन सा कॉस्ट लग रहा है और uh, किस टाइम पे लग रहा है तो दो चीजें तो एक है अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं पहला है कैपिटल कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू इसको एस से डिनोट करते हैं और स्क्रैप वैल्यू और रीसेल वैल्यू जो है एक ही होता है कभी कभी क्वेश्चन में स्क्रैप बोल देते हैं कभी रीसेल बोल देते हैं तो दोनों सेम चीज है एंड से हम लोग नंबर ऑफ एयर्स को डिनोट कर सकते हैं नहीं भी डिनोट करेंगे तो चलेगा बट तो टर्म्स को याद रखना है ठीक है फिर होता है मेंटेनेंस कॉस्ट अब मेंटेनेंस कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट सेम चीज होती है ठीक है क्वेश्चन में अगर रनिंग कॉस्ट है तो भी वो सेम है एवरेज एनुअल कॉस्ट और फॉर्मूला है हमारे पास टोटल कॉस्ट इक्वल टू कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट और एक और कॉस्ट आता है जो है डिप्रिसिएशन कॉस्ट ये इक्वल टू होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ओके सो क्वेश्चन हमारे हमारे पास पास ये है कि हमारे पास है कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन वो दी हुई और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है वन थाउजेंड ठीक है दो वैल्यू हमारे पास दो कॉस्ट दी हुई है पहला एक कॉस्ट ऑफ मशीन और दूसरा स्क्रैप वैल्यू जिसको रीसेल वैल्यू बोलते हैं दोनों दी हुई है और मेंटेनेंस कॉस्ट जो हमारे पास टेबल में दी हुई है एयर के साथ मतलब इयर वन के लिए वन थाउजेंड टू के लिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इस तरीके से मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट दी हुई है और हमें क्वेश्चन पूछा है कि वेन शुड द मशीन बी रिप्लेस्ड कब हम लोग इस मशीन को रिप्लेस करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट उस मशीन पे जो भी मेंटेनेंस का कॉस्ट हो रहा है फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का थर्ड ईयर का वो सब दिया हुआ है कॉस्ट मशीन का भी दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू भी दिया हुआ है अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कब मशीन को रिप्लेस करेंगे कब हमारा ऑप्टीमल रहेगा मशीन को रिप्लेस करना अब इसके लिए जो है हम लोग डायरेक्ट टेबल बना के भी लिख सकते हैं बट मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ ताकि एग्जामिनर को एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाए और उसको ऐसा नहीं लगे कि आपने अगल बगल से देख के लिखा है ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं सबसे पहले कि वी आर गिवन ओके, okay, सो so हमने यहाँ पे क्या लिखा है जो चीज गिवेन है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चन तो एग्जाम में ये आता है बट आंसर शीट में भी हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा डायरेक्ट आप लोग टेबल भी बना सकते हैं ये चीज स्किप भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो हमने लिख दिया स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट ऑफ मशीन ये दी हुई है और हमें ऑप्टीमल जो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन ऑप्टीमल टाइम कि जब मशीन रिप्लेस करेंगे उसके लिए हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट को निकालना पड़ेगा ध्यान से रखिए कि हमें ऑप्टिमल टाइम निकालने के लिए कि मशीन कब रिप्लेस होगा उसके लिए हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट निकालना पड़ता है ठीक है so, और टोटल कॉस्ट पर ईयर ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द मशीन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल अब वो जो टेबल है वो अब हम बना लेते हैं ओके okay, सो so, टेबल हमने जो है यहाँ पे बना लिया है इस तरीके से आप लोग को टेबल बनाना है जैसे जब हमारे पास क्वेश्चन में मेंटेनेंस कॉस्ट और कॉस्ट ये स्क्रैप वैल्यू इस तरीके से दी हुई रही तो हमें इस तरीके से ही टेबल बनाना होता है अब हमने यहाँ पे क्या किया है ना कि टेबल में हमारे पास जो ईयर दिए हुए थे यहाँ पे फर्स्ट से लेकर के एथ वो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखे और ये जो हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट है जिसको रनिंग कॉस्ट बोलते हैं ये हमारे पास ये सारे दिए हुए थे सारे ईयर के लिए वो हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया है ओके अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे काफी सिंपल सा है ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या करना है रनिंग कॉस्ट यानी कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसका हम लोगों को क्यूमलेटिव रनिंग कॉस्ट निकालना है क्यूमेलेटिव निकालने के लिए जो फर्स्ट वाला जो है उसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे वन थाउजेंड और सेकेंड वाले को इससे हम लोग एड करते चलेंगे तो टू फाइव डबल जीरो प्लस वन थाउजेंड वो हो जाएगा हमारे पास थ्री फाइव डबल जीरो ओके इसी तरीके से इन दोनों को एड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास सेवन फाइव डबल जीरो उसके बाद आएगा वन थ्री फाइव डबल जीरो फिर ये इन दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा हमारे पास टू टू फाइव डबल ज़ीरो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा थ्री फोर फाइव आई थिंक हाँ थ्री फोर फाइव डबल ज़ीरो अब इन दोनों को ऐड करेंगे फाइव ज़ीरो फाइव ज़ीरो ज़ीरो और उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा सेवन ज़ीरो फाइव डबल ज़ीरो ओके तो क्यूमलेटिव जो है रनिंग कॉस्ट निकल गया अब इसके बाद है हमारा डिप्रेसिएशन कॉस्ट सो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि डिप्रीसिएशन कॉस्ट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ठीक है अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू तो कैपिटल कॉस्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है कि जो हमारा कैपिटल कॉस्ट है वो है सिक्सटी वन सिक्सटी वन थाउजेंड और स्क्रैप वैल्यू है हमारे पास वन थाउजेंड ठीक है सिक्सटी वन थाउजेंड और वन थाउजेंड क्वेश्चन में दी हुई थी तो इसीलिए हम लोग यहां पे लिख देंगे इसका फार्मूला क्या होता है कैपिटल कॉस्ट माइनस एस स्क्रैप वैल्यू ठीक है सी और एस से डिनोट किया था ना तो सी और एस ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ माइनस वन थाउजेंड इक्वल टू क्या होगा सिक्सटी ओके सिक्सटी थाउजेंड तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फर्स्ट ईयर के लिए सिक्सटी थाउजेंड होगा हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ मशीन और स्क्रैप वैल्यू ये हमारे पास ऐसे दिया हुआ था कुछ हमारे पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए नहीं दिया हुआ था ठीक है तो इसीलिए क्या होगा ये जो सिक्सटी थाउजेंड है ये सारे ईयर के लिए हमारे पास जो है डिप्रेसेशन कॉस्ट सी माइनस से सिक्सटी थाउजेंड ही रहेगा सो सिक्सटी थाउजेंड हम लोग लिखते जाएंगे इधर सिक्सटी थाउजेंड ओके okay. अब आता है टोटल कॉस्ट तो टोटल कॉस्ट का भी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ओके अब देखिए कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अभी अभी हमने निकाला कैपिटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू क्या होता है डिप्रिसिएशन कॉस्ट जो कि नीचे लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन कॉस्ट मतलब कैपिटल माइनस स्क्रैप तो ये कैपिटल माइनस स्क्रैप क्या है डिप्रिसिएशन तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ओके ये समझ में आया होगा आपको ये और ये प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट ठीक है तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू डिप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है रनिंग कॉस्ट मैंने मैं बार बार बोल रही हूं मेंटेनेंस कॉस्ट रनिंग कॉस्ट एक ही है तो अगर मैं ऐसे कर दूं जैसे कि ये वाले को कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू इसको नंबर थ्री इसको नंबर फोर और इसको नंबर फाइव ठीक पे? अब टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट अब मेंटेनेंस कॉस्ट हमारा क्या है ये हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है जो कि रनिंग कॉस्ट है सेम है रनिंग कॉस्ट और ये हमारा क्यूबिलेटिव रनिंग कॉस्ट है ठीक है अब इन दोनों में से किसको लेना है हमें क्यूमुलेटिव वाले को लेना है क्योंकि इसी के लिए हम लोगों ने ये वाला कॉलम को निकाला था ठीक है जो जब तो जब भी टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट को लेंगे उसमें ऐड करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट को नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट का जो हम लोग क्योंकि निकाला है ना उसको ऐड करते हैं ठीक है तो थ्री प्लस फोर तो ये क्या होगा थ्री प्लस फोर टोटल कॉस्ट इक्वल टू थ्री प्लस फोर अब इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड करते लिखते चले जाएंगे सिक्सटी थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड क्या हो जाएगा सिक्सटी वन थाउजेंड इन दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा सिक्स थ्री फाइव जीरो जीरो सिक्स सेवन फाइव जीरो जीरो इसको एड करेंगे आएगा सेवन थ्री फाइव जीरो जीरो देन एट टू फाइव जीरो जीरो इन फोर फाइव ज़ीरो जीरो वन वन जीरो फाइव ज़ीरो जीरो और वन थ्री जीरो फाइव ज़ीरो जीरो ठीक है ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट अब निकालना है हमें एवरेज एनुअल कॉस्ट यही हमने यहाँ पे लिखा था कि एवरेज एनुअल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे थे ना लास्ट में ये क्वेश्चन के कि हमें वी कैलकुलेट एवरेज एनुअल कॉस्ट ओके टू डिटरमाइन द ऑप्टीमल टाइम वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज एनुअल कॉस्ट तो यही है वो हमारा एवरेज एनुअल कॉस्ट इसके लिए हम लोगों ने पहले क्यूमुलेटिव निकाला डिप्रेसेशन कॉस्ट निकाला टोटल कॉस्ट निकाला अब एवरेज एनुअल कॉस्ट इसको सिक्स से डिनोट कर सकते हैं ऐसे करके ठीक है तो अब ये क्या होगा सिक्स इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई वन ओके एवरेज क्या होता है एवरेज यानी कि टोटल डिवाइडेड बाई वो कितने ईयर पे आ रहा है जैसे कि ये वाला कॉस्ट है सिक्सटी वन थाउजेंड वो फर्स्ट ईयर पे है हंड्रेड uh, 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 ये जो है वो सेकेंड ईयर पे है तो इस तरीके से हम लोग को इसको और ये जो ईयर है जिस ईयर पे उसको डिवाइड करते जाएंगे सो सिक्सटी वन थाउजेंड बाई वन करेंगे तो ये आएगा सिक्सटी वन थाउजेंड सिक्स थ्री फाइव डबल जीरो को डिवाइड करेंगे हम लोग टू से तो कितना आएगा थ्री वन सेवन फाइव ज़ीरो उसके बाद सिक्स सेवन फाइव डबल ज़ीरो को डिवाइड करेंगे थ्री से तो आएगा हमारे पास टू टू फाइव डबल ज़ीरो इसी तरीके से इन दोनों को करेंगे तो आएगा हमारे पास वन एट थ्री सेवन फाइव फिर वन सिक्स फाइव ज़ीरो उसके बाद वन फाइव सेवन फ़ाइव ज़ीरो दैन वन फाइव सेवन एट फाइव पॉइंट सेवन वन कुछ ऐसा देन वन सिक्स थ्री वन टू पॉइंट फाइव ओके जैसे ही हमारे पास एवरेज एनुअल कॉस्ट निकल के आ जाता है ना तो उसके बाद हम लोग का स्टेप होता है कि इनमें से सबसे मिनिमम कौन सा है ये देखना अब हम लोग यहां पर से जो है ऊपर से सर्च करेंगे टॉप डाउन तो सबसे मिनिमम हमें दिख रहा है कि ये जो है सबसे मिनिमम है ओके okay. ये जो हमारा वैल्यू है एवरेज एनुअल कॉस्ट का ये इन सारे में से सबसे मिनिमम है ठीक है अब ये काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है ये जो हमारा है काफी इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कि फ्रॉम द टेबल इट इज नोटेड दैट द एवरेज एनुअल कॉस्ट इज मिनिमम इन सिक्स ईयर अब ये जो वैल्यू है ना वन सेवन सॉरी वन फाइव सेवन फाइव जीरो वाला जो है वैल्यू ये सबसे मिनिमम है कौन से ईयर में सिक्स ईयर में बस यही चीज हमें मिलने हमने यहाँ पे लिखा है अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में हमें बोला था कि कब हमें मशीन को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा रिप्लेसमेंट पॉलिसी ठीक है जो हम लोगों ने उस टाइम पे स्किप किया था अभी हमें वो चीज देखनी होगी ठीक है तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या कहता है कि इफ द रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर द सिलेक्टेड ईयर देन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर ओके अब ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो दो चीजें हैं कि रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन फॉर नेक्स्ट ईयर ठीक है अब नेक्स्ट ईयर का मतलब सबसे पहले सिलेक्टेड ईयर क्या है सिलेक्टेड ईयर का मतलब वो ईयर जिसे हमने सिलेक्ट किया है यानी कि ये वाला ईयर सिक्स ईयर इसको सिलेक्ट किया है अब इस नेक्स्ट ईयर का मतलब है जिसको सिलेक्ट किया है उसके वाले ईयर उसके, उसके बाद वाला ईयर यानी कि सेवेंथ ईयर ये है हमारा नेक्स्ट ईयर यही हमारा वहां पे बोला जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कॉस्ट फॉर नेक्स्ट ईयर ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूं नेक्स्ट ईयर ओके नेक्स्ट ईयर इज मोर देन द एवरेज एनुअल कॉस्ट ये जो है ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज एनुअल कॉस्ट फॉर सेलेक्टेड ईयर ओके अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे मशीन को रिप्लेस कर देंगे अब देखते हैं हमारे टेबल में रनिंग कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर क्या है नेक्स्ट ईयर है हमारा सेवेंथ ईयर और सेवेंथ ईयर का रनिंग कॉस्ट क्या है हमारे पास वन सिक्स ट्रिपल जीरो ठीक है तो वन सिक्स ट्रिपल जीरो ठीक है इज इट ग्रेटर दैन एवरेज एन कॉस्ट फॉर द सिलेक्टेड इयर अब एवरेज एनुअल कॉस्ट सिलेक्टेड ईयर कौन सा है हमारा सिक्स ईयर हमने सिलेक्ट किया है इसका एवरेज एनुअल कॉस्ट क्या है वन फाइव सेवन फाइव जीरो सो वन फाइव सेवन फाइव जीरो सो ऑब्वियसली सिक्सटीन हंड्रेड इज ग्रेटर देन वन सेवन फाइव सेवन जीरो देन वी कैन रिप्लेस द मशीन देन वी कैन रिप्लेस द मशीन रिप्लेस द मशीन कब रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर एंड ऑफ द सिलेक्टेड ईयर ठीक है सिलेक्टेड ईयर हमारा सिक्स ईयर है सो वी कैन रिप्लेस द मशीन एट एंड ऑफ सिक्स ईयर ठीक है तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा था कि मशीन को कब रिप्लेस करना है ठीक है कहा है हमारा क्वेश्चन ये रहा ठीक है हमें क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा था कि वेन शुड द मशीन बी रिप्लेस तो हमारा आंसर निकल के आया है कि वी कैन रिप्लेस द मशीन एट द एंड ऑफ सिक्स ईयर ओके एक बार फिर से हम सारे पेजेस को देख लेते हैं सो so, सबसे पहले हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन उसके बाद हमने देखा इसकी ऑब्जेक्टिव और रिप्लेसमेंट मॉडल देन हम लोगों ने देखा रिप्लेसमेंट पॉलिसी और कुछ रिलेटिव टर्म्स या फिर कुछ रिलेटिव कॉस्ट जो कि हम लोग को यूज करना है रिप्लेसमेंट वाले चैप्टर में उसके बाद हमने सॉल्व किया ये वाला, वाला क्वेश्चन इसके लिए हम लोगों ने इतना सारा लिखा नहीं भी लिख सकते कोई बात नहीं पर ये टेबल को अच्छे से बनाना साफ सुथरा टेबल जितना अच्छा रहेगा वो देखने में अच्छा लगता है ठीक है ये टेबल अच्छे से बनाना होगा और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया कि कब मशीन को रिप्लेस करना है और यहाँ पे आया हमारा आंसर ओके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास मेंटेनेंस कॉस्ट हुई थी और स्क्रैप वैल्यू हमारे पास इस तरीके से दी हुई थी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि स्क्रैप वैल्यू हमारे पास हर एक ईयर की दी हुई रहेगी ओके okay. उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो